यूनिट का विस्तार नहीं हो पाया है, संगठन का विस्तार कब होगा, और जो तमाम लोग जो नाराज़ हैं उनको कैसे आप लोग सेटल डाउन करेंगे? क्योंकि ये आवाज़ के जो सुर हैं मैम वो राजनीति बनकर उभर रहे हैं, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मतभेद है, मनमुटाव हैं काफ़ी लोग, इन आरोपों को कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, मन मुटाव तो नहीं है ना मन का कोई भेद है। बात सीधी तौर पे यह है कि जब हम इलेक्शन के वक्त में हम लोगों के बीच में गए थे तो हमने भी कुछ वायदे लोगों से किए थे, और जो मौजूदा लोग थे उनसे भी हमने वायदा किया था कि आप थोड़ा सब्र करें, थोड़ा इंतज़ार करें, सरकार बनेगी, अवश्य कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो आज सरकार को बने 9 महीने हो गए हैं और अभी तक हम उनके एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, तो उनके मन में भी थोड़ा इस बात को लेकर रोष जैसा है, और वो भी बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हमारी भी एडजस्टमेंट करो ताकि हम पार्टी के लिए काम कर सकें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय था जिसके बारे में खड़गे जी को भी हमने अवगत कराया, और ये कहा गया कि आपने उस वक्त जो सीनियर लीडर्स यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए थे इलेक्शन के वक्त में, सब ने प्रॉमिस किया था कि बैलेंस रखा जाएगा। बैलेंस करने के लिए उन्होंने लोगों को भी सांत्वना दी और हमको भी कहा कि आप सब्र रखें, धैर्य रखें, जब सरकार बन जाएगी तो हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। तो आज तो मुझे कोई बैलेंस कहीं नहीं नज़र आ रहा, सारा काम एक तरफा ही हो रहा है, पर ये सरकार के बीच में और संगठन के बीच में एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, तभी हम लोगों को प्लीज़ कर पाएंगे, तभी हम लोगों को जोड़ पाएंगे, तभी हम अगले चुनाव के लिए काम कर पाएंगे।